पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पहले मैंने सुनी थी बहुत टाइम में, शाहीन अफरीदी, वो शाहिद अफरीदी के टाइम की, लेकिन इस बार लड़ाई सुनने को मिल रही है शाहीन अफरीदी बाबर आजम के बीच में। ओ माय गॉड, ये मैंने पहली बार सुना है कि यार कभी, मतलब जब से मैंने क्रिकेट फॉलो किया है, पाकिस्तान की टीम को फॉलो किया है, कि से मुझे पहली बार ये सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की टीम में लड़ाई हो गई है। सच है क्या? इसकी रियलिटी को जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाबर वर्सेस शाहीन फाइट रियलिटी देखते हैं इस वीडियो के अंदर। लेट्स गो। बाबर आजम वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी की ऐसी हुई लड़ाई, रिजवान ने आके सुलह कराई। ओए होए भाई, यार ये न्यूज चैनल वाले तो इस खबर को इतना फैला रहे, हमारे बावसूक जरा से पता चला है, मशकूक जरा से पता चला है, बहुत बड़ा फड्डा हो गया। ये खबर ऐसे फैली है जैसे ड्रेसिंग रूम नहीं था बल्कि WWE रेसलिंग वाला वो रिंग था। जब बाबर और शाहीन आमने सामने आए, ऐसा लग रहा था रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर आमने सामने आ गए, और उधर से वो रेसलिंग वाला कमेंट्री कर रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप 265 पाउंड ब्रॉक और फिर ऐसा फड्डा हुआ, शाहीन सोफे से उठ खड़ा हुआ, ये हुआ तू तू मैं चपाड़े चपूड़े, दरमियान में रिजवान को आना पड़ा, कोचिंग स्टाफ को आना पड़ा, इनको छोड़ाना पड़ा, धक्के मुक्कियां चपेड़े लाते, इतनी खबर किसने फैला दी यार? कौन है ये लोग? वैसे तो ये अच्छा, कल से वबाल बचा हुआ था, लेकिन मैं इसको और भड़काना नहीं चाह रहा था, बट आप लोगों ने कमेंट्स में कहा यार इस पे वीडियो बनाओ, इसलिए आपके हुक्म से मैं तो हाजिर हो गया। न्यूज चैनल वाले तो बहुत कुछ कह रहे थे, बट ये बात थोड़ी बहुत हुई है, थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी हुई है उस पे, जो तकलैन मुश्ताक, मोइन खान जी, जो बड़े प्लेयर्स हैं, इन्होंने जो बातें की है, मतलब थोड़ी बहुत बात हुई है, वही मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ऐसी बात करता हूँ जिससे हम सब कनेक्ट कर पाएंगे। मान लो कि हमारी एक मोहल्ले की टीम है और सबसे टॉप की टीम मानी जा रही है, वैसे जिस टीम में मैं होता था वो टॉप की तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मान लिया, सारे मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि यार ये टीम जो है ना ये टाइटल जीतेगी। हमारी टीम जाती है, एक मैच बुरी तरीके से हार जाती है, फिर हमारी टीम को बार बार सफर करना पड़ता है, कभी इधर जाना पड़ता है, कभी उधर जाना पड़ता है, पहले ही बेचारे थके हारे खिलाड़ी, हमारी टीम का जो कोच होता है, जो पाकिस्तान टीम का हेड कोच, जो डायरेक्टर जो भी है, मिकी आर्थर, वो है ही नहीं इधर, मतलब कोई बड़ा ही नहीं है, जो भी सब कुछ है वो बाबर आजम की सर पे हो, ज्यादातर बर्डन वो खुद ले रहा हो। फिर एक ऐसा वक्त आ जाए कि मोहल्ले में एक ऐसी टीम हो जो कि नॉर्मल सी हो और हमारी मोहल्ले की नंबर वन टीम, और हम सोचेंगे यार इसको तो हम हरा ही लेंगे, और उस छोटी टीम से भी हम हार जाएं और फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं और आखिरी बॉल पे जाकर हारे, तो क्या ख्याल है वहां पे आपका मूड कैसा होगा? आपके अचानक से खुश हो जाएंगे, अरे मजा ही आ गया यार हारने का, ऐसी हार तो अल्लाह करे सबको मिले यार, हम तो छा गए यार, अपने स्पिनर्स को जाके बोले यार तूने तो क्या फुल टॉसें कराई हैं यार, लव यू भाई, मैं तो फैन हो गया हूं तेरा। क्या ऐसा कहीं होता है भाई? मूड के तो फोड़े लग जाते हैं ना सारे उस वक्त, जब एक मोहल्ले की टीम में इतना मूड खराब हो जाता है, तो जब इंटरनेशनल टीम इतना हारती है, इतनी बड़ी टीम हारती है, तो क्या उनके अंदर खुशी के लड्डू फूटेंगे? वो भी तो बेचारे दुखी होंगे ना। और उसी दुख में जब हमारी टीम हारी, तो बाबर आजम गए ड्रेसिंग रूम में, सारे खिलाड़ियों को बुलाया, और सारे खिलाड़ी भी फ्रस्ट्रेशन में थे, वो भी सारे दुखी थे, सारे सबको कहा कि भाई हम अच्छा नहीं खेले, बहुत बुरा खेले हैं, और ये जो हम स्टार बने हुए, अगर वर्ल्ड कप में भी हार गए तो फिर स्टार स्टार नहीं रहेगा। फिर ऐसी बातें हो रही, फिर शाहीन शाह अफरीदी जो है जाहिर है उसका भी पारा आई था, वो भी तो मैच हारा था ना, पाकिस्तान टीम तो उसकी भी थी, वो भी बीच में बोल पड़ा कि यार जो चार लड़के अच्छा खेले उनका भी नाम आना चाहिए, जैसे इफ्तिखार हो गया, रिजवान हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, जमान हो गया, तो बाबर ने कहा कि हाँ जो अच्छा खेले मुझे उनका भी पता है, बट ओवरऑल हम सही नहीं खेले, तकरीबन इस तरह की बातें हुई। मोइन खान तो ये भी कह रहे थे कि शादाब खान और बाबर की थोड़े बहुत आर्गुमेंट्स हुए हैं, तो बस तकरीबन इतनी बात हुई है। बाबर ने फिर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ड्रेसिंग रूम में नहीं आया बल्कि बस में बैठा और सीधा होटल में, फिर सुबह घर आ गया, किसी से बात नहीं की। अब न्यूज चैनल वाले इस चीज को ऐसे बता रहे हैं कि बाबर सबसे नाराज हो गया, बस कट ऑफ हो गई। भाई सकलैन मुश्ताक भी कल चैनल पे कह रहे थे कि यार जब हम हारते थे ना तो हम अपने घर वालों से ही दूर हो जाते थे, कि भाई जाहिर है हम गुस्से में हैं और कुछ किसी से बात ना करने, उल्टी सीधी किसी से बात ही नहीं करते थे, एक दो दिन तो मूड ही खराब रहता था। जब मैच हारे हैं तो हम जो पाकिस्तानी फैन हैं हमारी हालत टाइट हो गई, हमारा दिल नहीं लग रहा था कहीं, हम गुस्से में थे, तो जाहिर है वो तो इंटरनेशनल टीम है, वो तो खिलाड़ी है, उनके जहन में तो यही होगा कि पूरे पाकिस्तानी कौम जो है हम पे रिलाय कर रही थी और हम अच्छा के नहीं खेल सके, तो क्या उनका मूड अच्छा होगा? वो भी तो हमारी तरह इंसान है, उनको भी गुस्सा होगा, किसी ने बात कर दी होगी, कुछ दिन मूड खराब रहेगा लेकिन फिर मूड सही हो जाएगा, फिर देख लेना ये दो चार दिन बाद खिलाड़ी हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, ऐसा ही होता है यार। हमारे भी ऐसे कई दोस्त होते हैं, जब हम क्रिकेट खेलते हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म ना करे तो हम उसको पड़ जाते हैं, यार ये क्या कर रहा है, ये क्या जलील करवा रहा है, मैच हराएगा तू, उस टाइम नाराज हो जाते हैं, दूसरे दिन फिर उसी को बुला रहे थे, अरे आना यार वो तो तब मेरा पारा आई था यार, तू तो सीरियस ही ले गया, ये सब तो चलता है। वैसे ये खबरें भी आ रही थी कि शाहीन अफरीदी को शायद कप्तानी का ग्रीन सिग्नल मिल गया, वो PSL की 2 ट्रॉफीज भी जीता हुआ है, उसके अंदर एबिलिटी भी है, जब उसका मौका आएगा तो वो कप्तान बन भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बट फिलहाल तो बाबर आजम ही कप्तान है। और आपको ये भी बताऊं, सभी को याद होगा कुछ अरसा
सा पहले जब बाबर को कप्तानी से हटाने की बातें बहुत ज्यादा चल रही थी, तब शाहीन अफरीदी वो बंदा था जिसने ये ट्रेंड चलवाया था कि हैशटैग सोचना भी मना है, वही हमारा कप्तान है, उसको हटाने की सोचना भी मत। इसमें भी तो थोड़ा ही अरसा गुजरा ना, तब शाहीन अफरीदी क्यों सपोर्ट करता बाबर को। और रही बात गुस्से से बात करने की, तो सकलैन मुश्ताक भी कह रहा था कि जब इमरान खान का दौर था वो तो पूरी दुनिया का गब्बर माना जाता है कि यार सबसे ये सख्त कप्तान था। वो तो एक दफा वसीम अकरम का भी मैंने किस्सा सुना था, वो कह रहे थे कि हम मैच खेल के आए ऐसे बिल्कुल थके हारे, हमने कहा यार एक बर्गर खा लेते हैं, हमने ऑर्डर किया कि यार बर्गर ले आ वेटर, वो जैसे ही वेटर बर्गर लेके अंदर पहुंचा ऊपर से इमरान खान आ गया, कहता है वेटर के सामने उसने हमारी बेइज्जती कर दी, ओए उठा बर्गर वापस ले जा, बर्गर खाते हो हैं, फिटनेस का ख्याल नहीं है तुम लोगों को। इमरान खान तो इतना सख्त था भाई, वर्ल्ड कप भी तो उसी ने जितवाया था, तो कप्तान तो थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी कर लेता है, कप्तान को सख्त होने अगर हार जाए वो खुशी से बात नहीं कर सकता है, हाँ हौसला दे सकता है जो पहले भी बाबर देता था कि यार हम हारे हैं तो खैर है हम इससे सीखेंगे अच्छा करेंगे कुछ कोशिश करेंगे, बट कप्तान का थोड़ा बहुत गुस्सा चलता है। सकलैन मुश्ताक कह रहा था कि हमारी कौम ही ऐसी है कि हम बिल्कुल ही अगर अप्रिसिएशन पे आ जाए ना तो हम नहीं सही खेलते, थोड़ा बहुत गुस्सा में दिखाना पड़ता है। वही बात है ना, जब पाकिस्तान टीम फेवरेट होती है तब वो कुछ और ही कर देती है, जब ये लोग फेवरेट ही होते हैं ना और एक दूसरे को थोड़ा एहसास दिलाते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो ये सही करो, तब इन लोगों में कुछ अलग ही रूह बेदार हो जाती है यार अब तो कुछ करना है। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी, मैं किसी को कोई साइड लेने नहीं आया हूँ, बल्कि बस जो चीज सही थी मुझे सही लगी वो मैंने आपको बता दी कि यार ये जो लोग बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कम अज कम मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, बट इसमें आपकी राय अलग हो सकती है, सो प्लीज आप कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट वीडियोस किस पर चाहते हैं वो भी कमेंट्स में बताना, लाइक करना यूट्यूब चैनल छक्का मार को, सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके और क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब देखो भाई रियलिटी का तो मुझे पता नहीं कि सीन कितना बड़ा था कितना नहीं, लेकिन हाँ ये चीजें तो थी कि आर्ग्यूमेंट हुआ, शाहीन उठे और उन्होंने इंटरप्ट किया बीच में बाबर के बोलते हुए कि यार जिन्होंने अच्छा बोला है उनकी भी तो तारीफ होनी चाहिए, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, उन्होंने बोले कि हाँ मुझे पता है और किसने अच्छा खेला है किसने नहीं, लेकिन हम टीम की तौर पर अच्छा नहीं खेले हैं इसीलिए हम हारे हैं, ये बाबर के बोल थे, बाबर ने बोला था और ये बात सच भी है भाई। नंबर वन टीम जिसको माना जा रहा था, नंबर वन बॉलर, तीन बॉलर्स पर पूरी डिपेंड टीम और उनको ही विकेट ना मिल रहे हों, टीम में गर्मा गर्मी, तो बेइज्जती तो बनती है, मतलब कोई कहे या ना कहे मुँह पर, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद सोचेंगे कि यार हमारी टीम ऐसी थी तो जो वर्ल्ड की नंबर वन टीम सबसे बढ़िया फास्ट बॉलर्स कहे जा रहे थे दुनिया के, वो जाकर फेल हुए हैं और ऐसी गंदी हार मिली है, तो उसके बाद गुस्सा तो आएगा भाई। शादाब और बाबर का कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, शाहीन से आर्ग्यूमेंट हुआ, मतलब ऐसी चीज़ें मैंने अभी तक सुनी नहीं थी, अगर ये बात बड़ी ना हुई तो फिर से कुछ ना कुछ सीन बन सकता है, कप्तानी से हटने की खबरें आएंगी, कप्तान नया चुनने की खबरें आएंगी, लेकिन बाबर आजम ने बहुत कुछ किया है ये भी मानना पड़ेगा, और जब टीम के अंदर ही ऐसे सीन चल रहे होंगे, पॉलिटिक्स चल रही होगी, दिमागों में फितूर भर गया होगा कि यार ये मुझसे चिढ़ता है, ये मुझसे मुझे हटवाना चाहता है, तो ऐसा सीन अगर पुराने टाइम का जैसे अकमल वगैरह के टाइम में था तो वैसा सीन अगर फिर से आ गया तो टीम तो वैसे ही इतनी बेइज्जती झेल रही है, फिर और बेकार हो जाएगी भाई। फेवरेट्स बनते जा रहे हो तुम लोग, मैं मतलब इंडिया में बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ से देखता हूँ कि कितने चर्चे हो रहे हैं पाकिस्तान की टीम के और फास्ट बॉलर के। एक दौर था कि पाकिस्तान की टीम ख़त्म हो रही थी बिल्कुल, पहले अच्छी थी फिर ख़त्म हो गई थी, अब उठकर आ रही है ऊपर, वो लेवल अचीव किया है दोबारा से, वो इज्जत बना रही है, तो अब ये फिर सीन स्टार्ट हो गया, फिर से ख़त्म हो जाएगी टीम, क्या कहते हो इस बारे में यार कमेंट सेक्शन में बताओ। अफसोस वाली बात है कि लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। बाय।